अज की जिहड़ी पंजाब जीके की अगली वीडियो लैके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने जिहड़े गवर्नमेंट एग्जाम तुहाडे आ रहे हैं उन्हां वास्ते काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे तरीके नाल वीडियो नूं देखना है, अच्छे तरीके नाल इस नूं स्टडी करना है, नाल ही तुहानूं डिस्क्रिप्शन जो है वो मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है साडा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंटेंपररी ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के कड़े समकाली नहीं सन? बाबर, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, अकबर। तो जेकर असी देखिए इसकी नॉलेज सानू किस तरह मिलेगी, तो बाबर बाणी गुरु नानक देव जी की बाणी है, तो यदा मतलब जेकर उन्होंने बाबर बाणी की रचना की है तो बाबर उन्होंने कंटैम्परेरी रहेगा। ठीक है, पंजाब हिस्टरी जी है काफ़ी हद तक इंडियन हिस्टरी रिलेट करेगी, तो उतों ही जोड़े क्वेश्चन ने वो असी इस तरह ही पिक करने ने। एक तो हो गया बाबर बाणी, तो मतलब बाबर उन्होंने कंटैम्परेरी रहेगा। अगला आ रहा है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी उस समय जदों बाबर के द्वारा पंजाब उत्ते इंडिया उत्ते हमला किया गया सी, उस समय पंजाब का गवर्नर कौन सी? पंजाब का गवर्नर आता है बहलोल लोधी। तो जेकर पंजाब का गवर्नर उस समय बहलोल लोधी है, मतलब यह भी गुरु नानक देव जी का कंटैम्परेरी आएगा। नेक्स्ट आता है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी जदों बाबर के द्वारा पहली बार हमला किया गया सी पंजाब से, बाबर ने पंजाब उत्ते 5 बार हमले किए ने, जदों बाबर के द्वारा पहला हमला किया गया सी उस समय जो दिल्ली का शासक सी वो सी सिकंदर लोधी। मतलब सिकंदर लोधी जो है ये भी बाबर बाबर का कंटैम्परेरी रहेगा। तो जेकर बाबर का कंटैम्परेरी है तो नैचुरली किसका कंटैम्परेरी रहेगा? गुरु नानक देव जी का। तो जो सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी है अकबर। अकबर के नाल एक गल होर रिलेट करेगी कि अकबर जो सी ये भी कुछ गुरु साहबान का कंटैम्परेरी सी, लेकिन गुरु नानक देव जी का कंटैम्परेरी नहीं रहेगा। अकबर जो है ये गुरु अमरदास जी का कंटैम्परेरी सी। एक तो यह गुरु अमरदास जी का कंटैम्परेरी सी, दूसरी गल इसने की रिलेट करती है जो अकबर है इसके द्वारा जिथे आजकल अमृतसर शहर वसया होया है, वो जो जमीन सी अमृतसर शहर की जो जमीन सी वो गुरु नानक देव गुरु अमरदास जी ने अकबर के द्वारा दान की गई सी। जो गुरु अमरदास जी ने इस लैन तो इनकार कर दिता सी तो उसने ये जो जमीन सी बीबी भानी जी के नाम लिख दी सी। बीबी भानी जी जो गुरु रामदास जी की पत्नी सन उन्होंने नाम ये जमीन सी। उस तो बाद गुरु रामदास जी के द्वारा इतने चक रामदासपुरा मतलब अमृतसर की जो स्थापना है वह की गई है। इतने एक होर नाम असी लिया है चक रामदास। चक रामदास जो है ये अमृतसर का ही ओल्ड नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज सिफ्ती का घर। किस सिटी नू सिफ्ती के घर के नाल जाने जाता है? अमृतसर, जलंधर, दमदमा साहिब, आनंदपुर साहिब। तो जो सिफ्ती का घर है ये कहा जाता है अमृतसर नू। अमृतसर नू सिफ्ती का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इत्थे हरिमंदर साहिब सुशोभित है। हरिमंदर साहब बारे जो गल की जाए तो हरिमंदर साहब जो है उसकी अगर असं कही कि फाउंडेशन जो है वह किस द्वारा की गई, तो हरिमंदर साहब की जो फाउंडेशन है वह की जाती है गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। असं पिछे अपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक कंसैप्ट क्लीयर करके आए थे कि जो अमृतसर शहर है जिसनों असं चक रामदास के नाल भी जानते हाँ, ये जो शहर है ये गुरु रामदास जी के द्वारा वसाया गया। मतलब जेकर हरिमंदर साहब की गल की जाए ये दो चीज़ा अलग अलग आनगियां। जेकर शहर की गल कर रहे हैं तो शहर वसाया जाएगा चौथे गुरु गुरु रामदास जी के द्वारा, लेकिन जेकर हरिमंदर साहब की गल कर रहे हैं तो हरिमंदर साहब जो है इसकी स्थापना की जाएगी गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। जो नींह पत्थर है हरिमंदर साहब का गुरु अर्जन देव जी ने रखा सी, तो गुरु अर्जन देव जी ने खुद नहीं सी रखा, उन्होंने साईं मियाँ मीर पासों जिन्होंने पीर मुहम्मद के नाम भी जाने जाता सी उन्होंने पासों इसकी जो नींव है वह रखवाई सी। अगला है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम मुहम्मद गजनी अटैक ऑन पंजाब। मुहम्मद गजनवी ने पंजाब उत्ते किन्नी बार अटैक किया? 11 बार, 17 बार, 15 बार या 16 बार, 10 बार। तो जो सही आंसर बनता है मुहम्मद गजनवी जो है उसने पंजाब पे हमले किए थे 17 हमले। ठीक
ठीक है, जिन्हां विचों उसके पहले दो हमले, उस तो बाद 16वां हमला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दो हमले जो सी, एक हमला उसके द्वारा किया जाता है 1001 दे विच, जिस दे अंडर उसके द्वारा जयपाल नामक शासक नू हराया जाता है। दूसरा हमला जो है 1089 दे विच किया जाता है, यह हमला जयपाल के बेटे के उत्ते किया जाता है आनंदपाल, तो इस विच उसके द्वारा आनंदपाल हराया जाता है। जब उसके द्वारा जयपाल हराया जाता है तो जयपाल ने हार बर्दाश्त नहीं कर पाता तो अपने आप को अग लगा के आत्महत्या कर दिता है। उस तो बाद 1089 विच जिहड़ा युद्ध है, मतलब कि एक ही युद्ध है, 1089 इस दा टाइम पीरियड है, इतने इसका बेटा जो जयपाल का बेटा से आनंदपाल उसको हराया जाता है। उस तो बाद अगला इसका इंपॉर्टेंट युद्ध आता है 1026 का, इस समय इसके द्वारा सोमनाथ के उत्ते हमला किया जाता है। 1025 का इस समय से सोमनाथ के उत्ते हमला किया जाता है, सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह तबाह कर दिया जाता है। तो 1026 जिस विच इसका लास्ट हमला, यह हमला इसका 16वां हमला आएगा, यह हमला इसका 17वां ते आखिरी हमला आएगा 1026, जिस विच इसके द्वारा जाट्स को हराया जाता है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ पंजाब, पंजाब की मोस्ट पॉपुलर गेम जो है वो केड़ी है। इतने असी जी गल है पंजाब की पॉपुलर गेम की कीती है, वैसे पंजाब की नैशनल गेम अलग होएगी, पॉपुलर गेम अलग होती है। ऑप्शन हैं साड़िया हॉकी, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन। तो जब पॉपुलर गेम की गल कर रहे हैं तो पॉपुलर गेम तो आएगी ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, लेकिन जे इस जगह पर तो नैशनल गेम का नाम आ जाए, नैशनल गेम ऑफ पंजाब, तो साडा जिहड़ा आंसर सी वो रहना सी हॉकी। बट क्योंकि सिर्फ पॉपुलर गेम की गल की जा रही है तो वो साडी आएगी ऑप्शन नंबर बी कबड्डी। फिफ्थ क्वेश्चन है इहदा, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पंजाब इन लोक सभा, पंजाब विच लोक सभा दीआं कुल किन्नियां सीटां हन, 9, 11, 14 या 13। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी 13, मतलब 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं लोक सभा दीआं वो पंजाब विच हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ पंजाब इन विधानसभा इन, पंजाब दिया विधानसभा विच कुल सीटा किनिया हैं, ऑप्शन है साढ़िया 112, 107, 113 या 117। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी है 117। पंजाब विच सिर्फ विधानसभा है इस करके सिर्फ असं विधानसभा सीटा की गल कर रहे हैं, वैसे कुल 6 ऐसिया स्टेट्स हैं इंडिया के जिथे विधान परिषद जड़िया ने मौजूद हैं, लेकिन पंजाब दे विच विधान परिषद की कोई भी प्रोविजन नहीं है, मतलब सी पहला विधान परिषद लेकिन बाद विच उसनु भंग कर दिता गया, तो इस समय इत्थे सिर्फ विधानसभा जो है वो ही एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन दूसरे पासे जे विधान परिषद की गल की जाए तो केड़ियां ऐसिया स्टेट्स हैं जिन्हां दे विधान परिषद जो हैं वो भी होंदिया हैं, तो टोटल साढ़े पूरे इंडिया दे विच 6 स्टेट्स आंदियां ने, केड़ियां आंदे ने, कुंभट। एक ट्रिक है जिसके थ्रू असी इस चीज़ को जो है लर्न कर सकते हैं, के फॉर कर्नाटका, यू फॉर यूपी, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड टी फॉर तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ पंजाब इन राज्यसभा इज, राज्यसभा विच पंजाब दीआं कुल सीटां दी गिनती किन्नी है, 9, 10, 7 या 13। ते राज्यसभा दी गल कीती जा रही है तो राज्यसभा विच जिहड़ी टोटल सीट्स हन पंजाब दीआं ओह आ गईआं ऑप्शन नंबर सी 7। मतलब जेकर असीं इत्थे इक छोटा जिहा चार्ट बना के देखिए, राज्यसभा, लोकसभा ते उस तों बाद साडे आउंदी है विधानसभा। ठीक है, राज्यसभा दे विच साडीआं टोटल सीट्स आउणगीआं 7, लोकसभा विच साड़े टोटल सीट्स आंदियां ने 13, अते विधानसभा जो है उस विच साड़े टोटल सीट्स हैं 117। अगला है एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ रिवर रावी, ग्रीक नेम की है रिवर रावी का। वैसे असी जिहड़े पहला अपनी वीडियो च लैके आए सी उहदे विच असी जिहड़े रिवर सी उहनां दे वैदिक जो नाम सी उहनां बारे दस्या सी, लेकिन हुण असी किस बारे दस रहे हैं, हुण असी रिवर रावी दे ग्रीक नाम की गल कर रहे हैं। ऑप्शन हैं साडियां हाइदा पासिस,
नेक्स्ट है हाइड्रोएटिस अते हेसिडोर्स। जो सही आंसर है रिवर रावी का वो आएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोएट्स। इतने रिवर रावी का नाम दिता गया है। दूसरे पास रिवर जेहलम जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो रिवर जेहलम है इससे जे अगर ग्रीक नाम की गल करिए तो इसका ग्रीक नाम केड़ा है हाइदा पास। हाइदा पास जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हाइदा पास इंपॉर्टेंट इस करके है क्योंकि जो हाइदा पास है इसके किनारे उपर युद्ध लड़ा गया से। हाइदा पास का युद्ध होया सी ते वो किस दे विच होया सी पोरस अते अलेक्जेंडर दे विच होया सी। ठीक है ये तुहाडी जिहड़ी इनफॉर्मेशन है जेहलम रिवर बारे हैगी है। तो रिवर रावी का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नाइन्थ क्वेश्चन शीश महल इज डेवलप्ड बाय। शीश महल जो है एक किसके द्वारा डेवलप किया गया। शीश महल दो तरह का आएगा तुहाडा। एक शीश महल तुहाडा पंजाब विच आएगा ते दूसरा जो शीश महल है ये तुहाडा इंडिया का आएगा दिल्ली विच। जेड़ा शीश महल दिल्ली विच है वो तुहाडा तैयार करवाया जाता सी शाहजहां के द्वारा। तो पंजाब की गल कर रहे हैं तो पंजाब विच कई सही ऑप्शन देखो केड़ी होएगी। महाराजा रणजीत सिंह नरेंद्र सिंह मनिंदर सिंह अते रघुबीर सिंह। तो सही आंसर है पंजाब वाला जो शीश महल है ये तैयार करवाया जाता है ऑप्शन नंबर बी महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा। वेयर इज मिनी ओलंपिक्स आर हेल्ड। मिनी ओलंपिक्स जो हैं ये कितने होंगे हैं। मंडी गोबिंदगढ़ रोपड़ पटियाला या लुधियाना। तो एक नाम तुम्हें सुनिया होएगा जो मिनी ओलंपिक्स की गल होंगी है किला रायगढ़। एक विलेज है जिथे मिनी ओलंपिक्स जो है वो किया जाता है मतलब काफ़ी सारिया जो खेडा हैं उत्थे करवाइया जांदियां हैं। तो एक किस जगह पर पैंदा है ये पैंदा है ऑप्शन नंबर डी लुधियाना दे जगह पर। ठीक है तो मतलब सही आंसर बनेगा साडा ऑप्शन नंबर डी लुधियाना किला रायगढ़ या इसनों किला रायपुर के नाम नाल भी जाणिया जांदा है। नैक्सट इलेवंथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग द पंजाब पोएटेस टू गैट जनपीठ अवार्ड। जनपीठ अवार्ड बहुत ही उच्चा अवार्ड है। पंजाब विच किस कवित्री नू जो जनपीठ अवार्ड है वह मिलया है। ऑप्शन साडिया मिसिज प्री अमृता सहगल मिस अमृता प्रीतम दिलीप कौर टिवाणा मिस शर्मिला पांडे। तो जो सही आंसर है जनपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाली पंजाबी की पहली महिला है ऑप्शन नंबर बी अमृता प्रीतम। ट्वेल्थ क्वेश्चन है साडा विच इज़ द ओल्ड नेम ऑफ पंजाब। पंजाब का ओल्ड नेम की सी। सप्त सिंधु सप्तऋषि सप्ता अबा पंच आप। तो जो सही आंसर है पंजाब के ओल्डेस्ट नाम की गल कर रहे हैं तो पंजाब का ओल्डेस्ट नेम ऑप्शन नंबर ए आएगा सप्त सिंधु। हुण पंजाब का ओल्डेस्ट नेम सप्त सिंधु आता है। वैसे असी पंजाब नूं पंजाब के नाल जानते हाँ मतलब पंजा पाणियां दी धरती। लेकिन इतने असी जो आंसर दे रहे हैं सप्त सिंधु मतलब ओल्ड नेम की गल की जा रही है। तो ओल्ड नेम विच पंजाब की जो टेरिटरी रहेगी ये पाकिस्तान हरियाणा हिमाचल प्रदेश जो है ये सारा इलाका जो है वो शामिल होएगा। मतलब पंजाब की टेरिटरी बहुत ज़्यादा सी। तो इस टेरिटरी के अकॉर्डिंग पंजाब विच सत रिवर बन गया सी इंडस जेहलम रावी ब्यास सतलुज चिनाब अते सरस्वती। इन रिवर्स के अकॉर्डिंग इसका नाम जो है वह सप्त सिंधु लिया गया है। थर्टींथ क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद अंजुमन ए मोहसिबन ए वतन। जिसनों अंजुमन ए वतन के नाम नाल भी जाने जाता है। एक किसके द्वारा इस नाल कौन केड़ा व्यक्ति जो सी उस संबंध सी। ऑप्शन साडियां भाई परमानंद सरदार अजीत सिंह हिजर हयात खां अब्दुल समद खां। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी बने अब्दुल समद खां। अंजुमन ए वतन जो है ये एक तरह की पोलिटिकल पार्टी सी जिसकी फॉर्मेशन जो है वह अब्दुल समद खां के द्वारा की गई सी। फोर्टींथ क्वेश्चन When was the present Punjab come into existence? जो अज वाला पंजाब है अज का जो पंजाब वो कदों होंद विच हो आया सी 1866 1966 1766 या फिर लास्ट ऑप्शन है 1867। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी है। जेकर गल करो इसकी प्रॉपर डेट की तो यह आएगा 1 नवंबर 1966
इस समय पंजाब की फॉर्मेशन जो है अजोके पंजाब की फॉर्मेशन वो की गई। 15th क्वेश्चन है द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स पंजाब वॉज नेम्ड इन पुराना एज पंज दरियावां की धरती पंजाब का नाम जो पुराणा विच दिता होया है वो की मिलता है। पुराण जो असं गल कर रहे हैं पुराणा की तो पुराण मतलब दो जो पुराण ने तुहाडे मिलते हैं महाभारत और रामायण उसके अकॉर्डिंग पंजाब का नाम की है द ब्रह्मनद अगला है एरोपियस देवभूमि ते पंचनद। तो जो सही आंसर बनता है पुराना के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर डी आएगा पंचनद। ठीक है मतलब पंज दरियावां की धरती। 16th क्वेश्चन द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पैप्सू वॉल पैप्सू की जो कैपिटल सी वो केड़ी सी अमृतसर नाभा फरीदकोट पटियाला इस अमृतसर ऑप्शन बिल्कुल गलत आएगा क्योंकि अमृतसर जो है पैप्सू के शामिल ही नहीं सी। नाभा फरीदकोट पटियाला जींद दी रियासत जो सन उस शामिल सन लेकिन असं कैपिटल की गल करें तो कैपिटल का जो सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी आएगा पटियाला। 17th क्वेश्चन द ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब इज कवर्ड विद पंजाब का जो वड्डा हिस्सा है किस नाल ढकया हुआ है कि सॉयल नाल ढकया है एलूवियल सॉयल डेजर्ट सॉयल ग्रासी लैंड नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है पंजाब का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो किस चीज़ का ढकया हुआ है ऑप्शन नंबर ए एलूवियल सॉयल। 18th क्वेश्चन पंजाब इज रिच इन पंजाब अमीर है किस विच गोल्ड कॉयल द रॉक साल्ट एंड ऑयल गोल्ड विच कोल विच रॉक साल्ट विच जा ऑयल विच। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी है द रॉक साल्ट। 19th क्वेश्चन नेम द डिस्ट्रिक्ट विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो एक रिवर के उपर सिचुएटेड है पटियाला फिरोजपुर माघा मोगा या जलंधर जलंधर मतलब फिलौर। ठीक है तो जो सही आंसर बनता है कि डिस्ट्रिक्ट है जो रिवर के कंडे उत्ते स्थित है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर आता है जलंधर ब्यास रिवर के कंडे उत्ते स्थित है जलंधर ऑप्शन फिलौर ऑप्शन आ जाए मतलब सेम ही गल है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन अमंग द वेरियस पासिस ऑफ हिमालय विच वॉज द मोस्ट फ्रीकुएंटली विजिटड बाय द एक्सटर्नल इनवेडर जो हिमालय के थ्रू इनवेडर जो सन हमलावर जो सन हमला करते सन तो किहड़े पास के राही उन्हां द्वारा ज़्यादातर हमला किया जाता सी खुरम पास खैबर पास गोमल पास या बोलान पास। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा खैबर पास मतलब खैबर दरे के राही ज़्यादातर हमलावर जो हैं वो पंजाब में दाखिल होते। 21st क्वेश्चन है द मेन रोड ऑफ पंजाब लोकेटेड ऑन NH1 इज बाबा फरीद रोड ग्रैंड ट्रंक रोड महाराजा रणजीत सिंह रोड और पत्थर रोड। जो NH1 है ये किस दे नाम नाल जाना जाता है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड ट्रंक रोड जिसनों किसके द्वारा फाउंड किया गया सी शेर शाह सूरी के द्वारा सैकेंड टाइम इसकी रिपेयर जो करवाई गई सी बहुत अच्छे तरीके ने उसको तैयार करवाया गया सी वो आएगा ऑप्शन नंबर बी दा शेर शाह सूरी। 22nd क्वेश्चन हू रोड आनंद कारज आनंद कारज जो है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं गुरु अंगद देव जी नेक्स्ट ऑप्शन फिर तो गुरु अंगद देव जी है लेकिन इतने साढ़ा आएगा गुरु नानक देव जी गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी। तो जो सही आंसर है आनंद कारज जी जो रचना है किसके द्वारा की जाती है जिसनों कहते हैं कि जो विआह की रस्म है उस समय जो आनंद कारज होंगे उसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई सी वो की जाती है ऑप्शन नंबर सी गुरु अमरदास जी के द्वारा। तो इस ही साड़ी अज की जो असाइनमेंट है खत्म होंगी है इस तरह चैनल जुड़े रहो ता कि इंपोर्टेंट MCQs जो हैं मिलते जाए प्रैपरेशन जो है वो अच्छे तरीके होंगी जाए। थैंक यू।